हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का जो आपकी न्यू बुक आई है मैथ्स की, उसका चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज इन अ नेम। सो इसमें जो है काउंटिंग है मेनली, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है चीज़ों को, वो सब चीज़ें हैं इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ काव हर्ड फैमिली इन तारकेश्वर। तो बहुत टाइम पहले की बात है। कोहर्ड मीन्स काव हर्ड मीन्स मतलब एक जो है गायों को रखने वाला जो है एक परिवार था तारकेश्वर में। एवरी डे हर रोज़ जो है देबा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग। वो हर रोज़ जो है काव को लेकर जाते थे ये दोनों। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउज। और वो शाम को जो है लेट तक आते थे एक साथ सारी काव को लेकर, गायों को लेकर। वन डे देबा आस्क्ड हाउ डू वी नो डैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउ। तो पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एक भी काउ को लॉस नहीं किया, सारी की सारी गायें हम लेकर आए हैं। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। सो वट कुड देबा एंड दीप डू। तो वो दोनों क्या कर सकते हैं, आपको अपना देना है सजेशन। देन देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया। उनके फ्रेंड ने उन्हें एक आइडिया दिया। वैन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओ, मेक अ मार्क ऑन द वॉल, और वॉल पे जो है एक मार्क लगा दो। फॉर ईच काउ डैट लीव्स द गेट। जो भी गायें, जैसे ही एक गाय बाहर निकली तो वॉल के ऊपर ऐसे एक लगा दिया, दूसरी गाय निकली तो एक और जो है इस तरह से मार्क आपको लगाते जाना। जितनी गायें निकलेंगी उतने ही मार्क आपको लगाने हैं। देन व्हेन यू कम बैक, और जब वापस आओ, स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर द गेट। जैसे ही कोई भी एक काव अंदर आई तो उसको एक को आपने कट कर दिया, दूसरी अंदर आई तो दूसरे वाले मार्क को कट कर दिया, तीसरी गाय अंदर आई तो तीसरे वाले मार्क को कट कर दिया। तो ऐसे पता चल जाएगा तुम्हें। सो नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स एडवाइस। नेक्स्ट डे क्या किया उन्होंने, अपने फ्रेंड की एडवाइस को फॉलो किया। एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे केम बैक होम। और जब वो वापस आए तो उन्होंने जो है सारे के सारे मार्क्स को इस तरह से, ये देखो इन्होंने लगाए हैं, और जब वो वापस आए तो सारे के सारे मार्क्स जो हैं कट हो गए थे। सो डिड ऑल द काउज कम बैक होम, क्या सारी गायें जो हैं वापस घर आ गई थी। सो येस, क्यों, क्योंकि सारे मार्क्स कट हो गए, मतलब सारी काउज आ गई हैं। नाउ आफ्टर ए फ्यू ईयर्स दे हैड मैनी मोर काउज। अब उनके पास और भी बहुत ज़्यादा काउज हो गई, गायें थी। वन डे देयर वोल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। तो उनकी जो वोल है उस पर इतने सारे मार्क्स थे जब वो घर से निकले। नाउ दे हैड डैश काउस, कितनी काउ हो गई टोटल, तो आपको इनको टोटल काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. तो कितनी काउ हैं अभी उनके पास, 47 काउस। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखोगे, उन्होंने 5-5 का जो है एक कोलम बनाया हुआ है। ये 5 है, ये टोटल भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। हर जगह क्या किया उन्होंने, 5-5 का कोलम बनाया है। नाउ द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज, दे स्ट्रक आउट वन मार्क एज ईच काउ री एंटर द गेट। तो जैसे हमेशा करते हैं, जैसे एक काउ अंदर आती है तो वो एक मार्क को कट कर देते हैं, दूसरी काउ अंदर आई तो दूसरा मार्क कट किया, थर्ड काउ अंदर आई तो थर्ड का मार्क जो है उन्होंने कट कर दिया। लेकिन क्या हुआ, टू मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट ऑन द वॉल। अब क्या हुआ कि उन्होंने सारे मार्क्स कट कर दिए लेकिन दो मार्क्स जो हैं उनके रह गए, यानी कि ये दो रह गए। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी दो गायें अभी भी क्या हैं, बाहर हैं। सो देवर वरिड, अब वो वरिड थे, तो वरिड क्यों थे, क्योंकि उनकी गायें अभी भी बाहर थी, उन्हें अपनी गायें नहीं मिली थी। हाउ मैनी काउज हैड रीच्ड होम, तो कितनी काउ जो है घर पे पहुंच गई थी। अब देखो दो नहीं आई थी, बाकी सब आ गई थी, टोटल थी 47। 47 में से दो नहीं आई, तो 47 माइनस 2 वो आपको करना है, तो कितना हो जाएगा, 45 काउ जो है घर पे पहुंच गई थी। नाउ देबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज एंड फाउंड देम इन अ नियर बाय फील्ड। तो जैसे ही निकले उन्हें पास के खेत में जो है वो वहाँ पर मिल गई। दे आर हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, उसके बाद वो खुशी खुशी घर आ गए। नाउ देयर फ्रेंड हेमंत हैज 36 काउज एंड 23 शीप। ओके, हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ द काउज एंड शीप बाय मेकिंग मार्क लाइक देबा एंड दीप। सो 36 है, सेम आपको मार्क्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 and 36. तो ये तो हो गया काउस के लिए. ओके, नाउ शीप कितना है? शीप्स हैं 23. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21, 22, 23. तो ये हो गया 23 जो हैं शीप है एंड 36 कितनी हो गया काउज हो गए. तो इस तरह से मार्क्स आप बना सकते हैं. नाउ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गो देयर टुगेदर टू प्ले अ गेम. तो ये एनिमल्स और बर्ड जो हैं एक साथ इकट्ठे हुए हैं कोई गेम खेलने के लिए. दे वॉन्टेड टू मेक टू टीम, उन्हें दो टीम बनानी है. दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम. जो फर्स्ट टीम का कैप्टन है वो कौन होगा? जिसका नाम सबसे बड़ा, यानी कि जिसके नाम में सबसे ज़्यादा लेटर्स है. और जो सेकंड टीम का कैप्टन है वो कौन होगा? वन विद द शॉर्टेस्ट नेम, यानी कि जिसके नाम में सबसे कम लेटर है. सो फाइंड आउट द कैप्टन ऑफ द टू टीम्स. तो इनके में कैप्टन कौन होगा? आप देखो यहाँ पर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ पर 4 हैं, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 3 and 5. तो सबसे ज़्यादा किसके में है? एलिफेंट के नाम में सबसे ज़्यादा लेटर्स है. कितने हैं? ई एल ई पी एच ए एन टी. कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 8 लेटर्स हो गए. ओके, नाउ सेकंड टीम का कौन है जिसका सबसे छोटा नाम है? सबसे छोटा किसका है? ओक्स. कितने लेटर्स हैं? दो ही हैं, ओ एन एक्स. तो ये सेकंड टीम के कैप्टन हो गए. नाउ हु हैज़ अ लॉन्गर नेम, डिस्कस. अब इन दोनों में से बताना है किसका नाम जो है लॉन्गर है. सो आपको लेटर्स काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनके 6 लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसके भी 6 हैं. तो किसका लंबा है? किसी का भी नहीं, दोनों का नाम क्या है? सेम है. नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम ए टू एफ. अब आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, जैसे मीना, दीपा, देव. अब अपने फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हैं. यहाँ पर मैं कुछ भी नाम यहाँ पर लिख रही हूँ, माही, मनीता, लता, शिवम एंड मोनू. ओके, तो यह नाम हमने लिख दिए. अब ए टू एफ, टिक द शॉर्टेस्ट, सॉरी टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट. सबसे बड़े नाम को आपको टिक करना है. जैसे ये बड़ा नाम है, इसमें कितने लेटर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, यहाँ पर 4 लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पर 6 लेटर हैं, यहाँ पर 4 लेटर्स हैं, 4, 3, 5 एंड 5. और सबसे छोटा जिसका नाम है उसे करना है आपको क्रॉस. डन. नाउ राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम. अब आपके नाम का जो स्टार्टिंग लेटर है वो आपको लिखना है. ओके, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मोनू और मेरे नाम का स्टार्टिंग लेटर जिससे मेरा नाम स्टार्ट होता है वो हमने लिखा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम. विद स्टार्टिंग लेटर इज अ मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम्स डेट बिगिन विद. अब कौन से नाम सबसे ज़्यादा आया है या कौन सा नाम बार बार आया है? जैसे एम, देखो एम से जो एम लेटर से जिनके नाम शुरू हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे मीना, माही, मनीता, मोनू. तो कितने हो गए यहाँ पर? 4. कितने नाम शुरू हो रहे हैं एम से? 4. और सबसे ज़्यादा कौन सा नाम आया है? एम आया है. और उससे कितने नाम बने हैं? 4. काउंट द नेम विद द सेम लेटर, एंडिंग लेटर, जिनका जो है एंडिंग लेटर बिल्कुल सेम है उनको आपको काउंट करना है. अब एंडिंग लेटर मतलब लास्ट. जैसे यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है. तो कितने नाम का सेम हो गया? 4. काउंट द नेम विद द सेम लेटर्स, 4 हो गया. अब यहाँ पर जो है वो आप लेटर लिख भी सकते हो या वो नाम भी लिख सकते हो. जैसे यहाँ पर स्पेस है तो आप लिख सकते हैं मीना, लता, मनीता एंड दीपा. नाउ राइट द लेटर डेट आर नोट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम.
अब वो लेटर लिखने हैं जो किसी के स्टार्टिंग में नहीं है, जैसे ए नहीं है, बी से किसी का नाम नहीं आ रहा है, सी से भी नहीं है, डी से है, दीपा और देव हो गए, ई से किसी का नाम नहीं है, एफ से भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई भी नहीं है, देन जे, के, एल, एल से है, एल एंड एम से है, देन एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस से नाम है, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। सो ये वो लेटर है जिनका जिनमें जो है कोई भी नाम यहाँ ऊपर नहीं बना है। अगर आपके कोई नाम उनमें बनेंगे तो आपको वो लेटर्स लिखने हैं जिनसे नाम नहीं आया है कहीं भी, तो वो लेटर्स आपको यहाँ लिखने थे। नाउ नेक्स्ट है, तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। अब वो जो है इन कार्ड्स को मिलाकर नंबर्स बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन सबको लेकर। ओके, नाउ तेजी मेक हर रोल नंबर 43 लाइक दिस। दीज लेटर नंबर हैव 10 लेटर्स, 40 एंड 3। ओके, और जो जो को 17 बनाना था, सो इट नंबर हैज़, अब इसमें कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने लेटर्स हैं इसमें, 9। ओके, नाउ राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एज शोन अबोव। नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ योर बुक। सो आपकी बुक के एंड में भी नंबर कार्ड दिए होंगे, उनको आप कट करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई नंबर इज, रोल नंबर इज 10। ओके, सो आपको 10 यहाँ लिखना है, TEN। अब इसमें कितने लेटर है, 1, 2 एंड 3। ओके, जस्ट आपको उसमें लिखना है कि उस नंबर नेम में कितने लेटर्स हैं काउंट करके। राइट सम नंबर एंड देयर नंबर नेम इन योर नोटबुक, हाउ मैनी लेटर्स डज ईच हैव। अब आपको कोई भी नंबर नेम जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 42 लिखा है, इट हैज़ 8 लेटर। ओके, वो कुछ और है। देन यहाँ पर आप जैसे लिखा आपने 43, सो 43, 15, सो 15, 60 आप लिख सकते हैं, 60। तो ऐसे कुछ भी आप नंबर नेम थोड़े बहुत लिख सकते हैं अपनी बुक में। नाउ तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56, उन्होंने 56 बनाया, इट हैज़ 8 लेटर, इसके अंदर कितने लेटर्स है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लेटर्स हैं। राइट अदर नंबर्स बिटवीन 1 to 99, 99 और 1 के बीच के ऐसे नंबर लिखने जिनके कितने लेटर्स होंगे बीच में, 8 लेटर्स होंगे। ओके, जैसे 42 यहाँ पर है, सो आप 41 भी ले सकते हैं, सेम ही होंगे उसमें भी, 41। 56 था तो 51 भी हो सकता है, सो 51, एंड 52 भी हो सकता है, एंड 46 भी हो सकता है, सो 46, 66, इसमें भी सेम जो है उतने ही लेटर होंगे, एंड 61। तो ये जो हैं वो लेटर्स हैं जिनमें कितना होगा, सॉरी वो नंबर नेम है जिनमें टोटल कितना हो जाएगा आपका, 8, इनमें टोटल कितने लेटर्स होंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमेशा कितने लेटर्स रहेंगे, 8। आप कोई और भी नंबर नेम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ये ही लिखना है। नाउ राइट द लॉन्गेस्ट नंबर नेम, सॉरी लॉन्गेस्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 99, 99 एंड 1 में आपको देखना है कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, डेट हैव द आई थिंक 77, क्योंकि 7 सबसे बड़ा होता है, देन 78 भी हो सकता है, एंड आपको नंबर्स लिखना है सिर्फ यहाँ पर, 78, 70 एंड 87, तो ये यहाँ पर सबसे बड़े हो सकते हैं, दूसरा भी हो सकते हैं। आई थिंक 7 में बिकॉज कितना होता है, SEVSEVEN, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड देन 8, 9, 10, 11, 12, 12 वर्ड्स इसमें टोटल हो जाएंगे। सेम 70 अगर आप इसमें जाएंगे, 8, EIGHT, तो उसमें भी सेम ही रहेगा, 88 में भी सेम रहेगा, तो उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं।
नाउ फाइंड आउट माई नंबर नेम हैज़ टू वर्ड्स, मेरे नंबर में दो वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वर्ड हैज़ सिक्स लेटर, फर्स्ट वर्ड में कितना होगा, सिक्स लेटर आएंगे। एंड द सेकेंड वर्ड हैज़ फाइव लेटर, और सेकेंड लेटर, सेकेंड वर्ड में फाइव लेटर है। आई एम वेरी नियर टू 100, मैं 100 के बहुत पास हूँ, तो मैं क्या हूँ, तो 100 के बहुत पास जिसमें फाइव लेटर्स आते हैं सेकेंड नंबर पे। सो एन आई एन ई टी वाई 98 ई आई जी एच टी, तो ये वाला हो जाएगा आपका 98। नाउ माई फ्रेंड एंड आई आर द नंबर फ्रॉम 63 टू 78। माई नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट अमोंग ऑल माई फ्रेंड, हु एम आई, मेरा नंबर जो है सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा यानी कि स्टार्टिंग वाला ही है, क्योंकि वो 63 से शुरू होकर आगे तक जा रहे हैं, तो सबसे छोटा क्या है, 63 है। अब सेम पजल्स यहाँ पर दी हैं कुछ, ये जो है वेंकट नरसिंह राजू वरा पेटा, ये जो है इसका नाम है इतना बड़ा। ये जो है प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम, सबसे लंबा नाम है ये इंडिया में। इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु। नाउ नेक्स्ट है ईबिन उड़ीसा एंड ओड इन गुजरात आर द प्लेसेज इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट टाइम या शॉर्टेस्ट नेम, सॉरी शॉर्टेस्ट नेम से ये जो है सबसे छोटे हैं और ये वाला क्या है, सबसे बड़ा है। नाउ तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर्स कार्ड, तेजी हैज़ पुट दैम इन टू टू ग्रुप्स, उन्होंने इसको जो है दो ग्रुप्स में बनाया। सो सी हैज़ ग्रुप द कार्ड्स इन टू दोज हु डैट ईट फूड, ये खाना खाते हैं और ये खाना नहीं खाते, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कार्ड्स को डिफरेंटली अलग अलग किया है। अब जो जो ने भी उन्हें अलग अलग किया, लेकिन उसने कैसे किया है, सो उसने क्या किया है, दोज हु फ्लाई एंड द सेकेंड ग्रुप क्या है, दोज हु डजंट फ्लाई, डजंट फ्लाई, क्योंकि ये फ्लाई नहीं कर सकते और ये क्या है, सारे फ्लाई करते, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने दो ग्रुप में उन्हें डिवाइड किया है। नाउ गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, राइट द नेम ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट इन द टू ग्रुप्स गिवन बिलो। नाउ दे नीड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किस किस को चाहिए, टीवी को चाहिए, फैन, लैम्प, ओके, इन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और बाकी जो है बेड, चेयर, ब्लैंकेट एंड पिलो, ओके, आप जो है क्लॉक को भी उसमें यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले में, बिकॉज उसमें सेल तो डलता ही है, तो वो वाली इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज हो जाएगी। तो इनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए और इन्हें चाहिए। नाउ ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबाउट डिफरेंटली, अब उनको दूसरे तरीके से भी आपको लिखना, दूसरे वे में भी, जैसे अब यहाँ पर देखो, इन दोनों ने, जोजो ने भी इन ग्रुप को, जिनको जैनी तेजी ने दूसरे वे में अलग अलग किया था, और यहाँ जोजो ने दूसरे वे में अलग अलग किया, तो ऐसे ही आपको बताना है इनको भी अलग अलग वे से आप कैसे कर सकते हो। सो कैसे कर सकते हो आप, थिंग्स मेड ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक, ओके, and things made of wood and wool, या फिर आप क्लोथ बोल सकते हो, wood and cloth। अब देखो क्या क्या है, मेटल से क्या क्या बना, आपका टीवी मेटल से बना है, फैन मेटल से बना है, देन आपका बेड जो है लकड़ी से बना है, आपकी घड़ी जो है क्लॉक वहाँ दी है तो वो प्लास्टिक या मेटल से ही किसी चीज़ से बनी होगी, एंड बेड हो गया, और बेडशीट जो आपका ब्लैंकेट था, है ना, ब्लैंकेट एंड पिलो एंड चेयर, ब्लैंकेट पिलो, ब्लैंकेट पिलो एंड चेयर, ये आपके क्लॉथ वगैरह या फिर वुड से लकड़ी से ही बने हैं, और टीवी, फैन, क्लॉक एंड लैम्प, ये आपके मेटल या फिर प्लास्टिक से बने हैं। नाउ हेयर स्टाइल, माला इज़ गोइंग टू स्कूल, हर मदर वॉज हैज़ कॉम्ब्ड हर हेयर,
माला हैज़ टू पोनीटेल, तो माला की कितनी पोनीटेल है, टू। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, अब देखो ये आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको करना है। ऑल चिल्ड्रन कोम देयर हेयर इन डिफरेंट वे, सब बच्चे जो है अलग अलग तरीके से अपने बालों का जो है कोम करके आते हैं। सो आपको लिखना है कितने बच्चे आपकी क्लास में ऐसे हैं जिनकी एक चोटी है, कितने ऐसे हैं जिनकी दो चोटी है, किनके इस तरह से बाल हैं, कौन ऐसे रिबन लगा के आता है, और किसके इस तरह से बाल और कौन जो है दो पोनीटेल करके आते हैं। ठीक है, ये चोटी है, ये पोनीटेल है, सिंगल पोनीटेल, और ये क्या है, डबल पोनीटेल। तो ये आपको चेक करना है कि आपकी क्लास में कितने वो बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल ये हो सकते हैं 3, 6, 2, 1 और 3, कुछ भी हो सकता है वो नंबर। तो आपको अपनी क्लास में चेक करना है, देन यहाँ पर लिखना है कि वो नंबर क्या है। सो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर इसका। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।